हाय गाइज, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बताएंगे। तो सबसे पहले मैन वाज इवोल्वड ऑन अर्थ अबाउट 15 लाख ईयर एगो। तो पृथ्वी पर जो है आदमी का कब से इवॉल्व हुआ, तो लगभग 1500 लाख ईयर एगो। और द मॉडर्न मैन जूलॉजिकली नोन एज ह्यूमो सेपियंस सेपियंस, तो साइंटिफिक नेम जो है आदमी का वो होमो सेपियंस सेपियंस है। दो बार सेपियंस सेपियंस क्यों आया, क्योंकि ये ट्राइनोमियल सिस्टम पे है। एक बाइनोमियल सिस्टम होता है और एक ट्राइनोमियल सिस्टम, दोनों को कार्ल वॉन लिनियस ने ही दिया था। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, दोनों के फादर कैरोलस लिनियस माने जाते हैं। तो और ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि द फर्स्ट एनिमल इन अर्थ, तो ये है कि द फर्स्ट पेट एनिमल वाज डॉग, विच वाज यूज्ड इन हंटिंग, जो शिकार के लिए यूज किया जाता था। और पूछा जाता है द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग, तो 7500 BC। BC मीन्स बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म के पहले पूर्व। कल्टीवेशन ऑफ सॉइल कॉल्ड एग्रीकल्चर, एक क्वेश्चन ये होता है कि एग्रीकल्चर कौन सा वर्ड है, तो एग्रीकल्चर इज ए लैटिन वर्ड विच इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, एग्री प्लस कल्चरा। एग्री मीन्स सॉयल एंड कल्चरा मीन्स कल्टीवेशन। तो आप कह सकते हैं कि कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ, इन विच वी स्टडी ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ सॉइल इज नोन एज एग्रीकल्चर। तो एक ये पूछा जाता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्टेटमेंट है कि एवरीथिंग इल कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि सब कुछ इंतजार कर सकता है लेकिन कृषि नहीं। तो ये पूछा जाता है कि ये स्टेटमेंट किसने कहा है, तो ये स्टेटमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। तो एक पूछते हैं कि एग्रोनॉमी कौन सा वर्ड है, तो एग्रोनॉमी इज ए ग्रीक वर्ड विच इज कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड, एग्रोस प्लस नॉमस। तो एग्रोस मीन्स फील्ड और नॉमस मीन्स टू मैनेज। तो एग्रोनॉमी क्या कहेंगे कि मैनेज ऑफ फील्ड। तो ऐसे कि एग्रोनॉमी दैट इज ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस विच डील्स विद द मैनेजमेंट टू फील्ड टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर प्रोडक्टिविटी इन टर्म ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी बोथ, तो इसे ही एग्रोनॉमी कहते हैं। तो एग्रोनॉमी का फादर कौन है, एग्रोनॉमी का फादर पीटर डिक्रेसन जी हैं। इन्होंने एक बुक अपनी लिखी थी आपस रूरल कामो धर्म। ये बुक पूछते हैं कि ये बुक किसने लिखी है और फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, तो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डिक्रेसन जी। तो इन्होंने जो है 1230 से 1307 AD, तो AD मीन्स एन्नो डोमिनी, और वैसे तो आफ्टर डेथ, BC मतलब बिफोर क्राइस्ट और AD मतलब आफ्टर डेथ। लेकिन जो AD का सही फुल फॉर्म है लैटिन वर्ड से वो है एन्नो डोमिनी। तो द इंडियन साइंटिफिक कल्टीवेशन हैज बीन स्टार्टेड इन कमर्शियल कल्टीवेशन, किस किस क्रॉप पे है, तो शुगर केन काटन एंड टोबैको पे था पहला। और अब आइए IARI जो इस समय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानी जाती है, लेकिन पहले जब स्टेबल हुआ तब इम्पीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1905 में एट पूसा बिहार में जो है स्टेबल हुआ अंडर द वाइस रॉयल्टी ऑफ लॉर्ड कर्जन के समय। तो बट वहाँ पर जो है अर्थक्वेक आ गया 1934 में, तो उसकी बिल्डिंग वहाँ से डैमेज हो गई। देयरफॉर इट इज ट्रांसफर्ड एज पूसा रोड न्यू दिल्ली 1936। आफ्टर द इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता के बाद जो है इम्पीरियल वर्ड को सब्स्टिट्यूट आर कन्वर्टेड इनटू इंडियन, तो नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1958। तो IARI वॉज गिवेन द स्टेटस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी बाई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो फिर ICR
ISAC, the Royal Commission on Agriculture, was constituted in 1926 under the Viceroyalty of Lord Linlithgow. The Imperial Council of Agriculture Research was established in 16th July 1929. तो 16 जुलाई को ही गोल्डन जुबली डे मनाया जाता है. एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, एक तो पूछते हैं कब स्टेबल हुआ, तो 16 जुलाई 1929 और 16 जुलाई को गोल्डन जुबली डे मनाया जाता है. इट वाज रजिस्टर्ड, लेकिन ये रजिस्टर्ड 1860 में ही हो गया था. इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, मोहम्मद हबी बुल्ला, और पहले सेक्रेटरी यसे हैदरी. और इन मार्च जब स्वतंत्रता इंडिपेंडेंट हो गया तो 1946 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द इंपीरियल इनटू इंडियन. इंपीरियल वर्ड को जो है चेंज इंडियन में किया गया अंडर द प्रेसिडेंट ऑफ जोगिंदर सिंह. उस समय इसके प्रेसिडेंट जोगिंदर सिंह थे. एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. तो ये एक फुल ऑटोनॉमस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है ICAR. ये भी पूछते हैं ICAR क्या है, कि इट इज ए रजिस्टर्ड फुल ऑटोनॉमस बॉडी. और इसके फर्स्ट DG कौन थे, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो थे वो डॉक्टर BP पाल, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन फादर ऑफ रोज कहा जाता है. ये एक प्लांट ब्रीडर थे. तो इसके बाद सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी. तो ड्यूरिंग 1901 to 1905, 1901 से 1905 के बीच लगभग 6 कॉलेज का यहाँ स्टेबल हुआ था. तो पुणे, कानपुर, साबावर, नागपुर, लाल्यालपुर और कोयम्बटूर, जो कि लाल्यालपुर इस समय पाकिस्तान में है, और बाकी पांचों पुणे, कानपुर, साबावर, नागपुर और कोयम्बटूर इंडिया में है. तो और फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वाज पंतनगर उत्तराखंड, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का पार्ट था. 2000 में जो है डिवाइड होकर ये उत्तराखंड एक राज्य बना. तो इस समय उत्तराखंड में है. उस समय जो है यूपी के चीफ मिनिस्टर पंडित गोविंद वल्लभ भाई पंत थे, जिनके नाम पर इस यूनिवर्सिटी का नाम गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड. तो और एक एग्रीकल्चर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगभग 1993 में स्टेबल हुई, तो जिसके कॉन्स्टिट्यूटेड 210 कॉलेज लगभग आज के 2 साल पहले थे. इस समय 2-4 कॉलेज बढ़ ही गए होंगे. तो वो इम्फाल में है, मणिपुर इम्फाल में. तो आज के लिए इतना ही, बाकी दूसरे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इसके आगे. तो आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए. बहुत बहुत धन्यवाद.